हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सौंफ खाने के अद्भुत फायदे के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे कि एक सौंफ की इतने सारे बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सौंफ के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन सौंफ में इतने सारे औषधीय गुण होते हैं जो कि आपके सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल से आपको बताने वाली हूँ कि सौंफ खाने से क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, किस किस तरीके से आपको सौंफ का प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके से प्रयोग करने से आपको किन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। इसके पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी घरेलू नुस्खे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सौंफ खाने के अद्भुत फायदे के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सौंफ और सौंफ के औषधीय गुणों के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि सौंफ के बारे में सभी जानते हैं और सौंफ का प्रयोग ज्यादातर लोग मुंह की बदबू को दूर करने के लिए माउथ फ्रेशनर के रूप में करते हैं, लेकिन उनको सौंफ के औषधीय गुणों के बारे में पता नहीं होता है, जिसके वजह से वो सौंफ के सारे फायदे अच्छे तरीके से उनको नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि सौंफ का प्रयोग आप किस किस तरीके से प्रयोग करके आप इसके औषधीय गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सिर्फ सेहत के लिए नहीं, हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सौंफ में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, ई, के, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयरन और फाइबर जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपके शरीर की जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरी करते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सौंफ खाने के अद्भुत फायदे के बारे में। तो सबसे पहले फायदे के बारे में बात करते हैं, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो है कि आपकी मुंह की बदबू को दूर करने के लिए माउथ फ्रेशनर के रूप में, या सांसों की दुर्गंधता को दूर करने के लिए सौंफ का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जैसे कि अगर आपके मुंह से बदबू आती है या सांसों से जुड़ी कोई समस्या है, सांसों की दुर्गंधता को दूर करने के लिए भी जो सौंफ है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए अगर आप मुंह से बदबू आने की जो समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रात को सोने से पहले एक चम्मच सौंफ का प्रयोग करना है। इससे आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगा, क्योंकि माउथ फ्रेशनर के रूप में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, मदद करता है आपके मुंह की दुर्गंधता को दूर करने के लिए और श्वास संबंधी बीमारियों को भी दूर करता है। सेकेंड इसका बेनिफिट है कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, पाचन शक्ति को स्ट्रांग करने के लिए सौंफ का प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। अगर आप अपने पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, गैस एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं, या आपके पेट फूल जाता है हमेशा, तो आप खाना खाने के बाद हमेशा, जब भी आप खाना खाएं उसके बाद आप आधा या एक चम्मच सौंफ का प्रयोग जरूर करें। इससे आपका जो पाचन शक्ति है स्ट्रांग होगा, जल्दी से खाना पचेगा और आपको कब्ज की समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें फाइबर भी काफी मात्रा में पाया जाता है। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट है कि अगर आप अपने आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं या आंखों से जुड़ी कोई समस्या है, आंखें आपकी लाल हो जाती है, आंखों से पानी आता है, या चश्मा आप लगाते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा अगर आप सौंफ का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आपको सौंफ का प्रयोग मिश्री के साथ करना है, क्योंकि अगर आप मिश्री के साथ सौंफ का प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत ही तेज होने लगती है, आंखों से जुड़ी जो भी समस्या है खत्म होने लगती है, और धीरे धीरे अगर आप चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका चश्मा जो है आंखों से उतर जाता है। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है मिश्री और सौंफ का प्रयोग करना आपकी आंखों के लिए। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है कि अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं, वजन को कम करना चाहते हैं या मोटापा से परेशान हैं, तो आप सौंफ का प्रयोग कीजिए। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि सौंफ का प्रयोग करने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिससे आपका जो वजन है बहुत ही तेजी से कम होने लगता है, मोटापा की समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। लेकिन इसका प्रयोग करने का तरीका है कि आपको सौंफ के पानी का प्रयोग करना है। इसके लिए आपको रात को एक चम्मच सौंफ को एक गिलास पानी में भिगोकर रख देना है, सुबह में इस पानी को हल्का सा बॉयल करना है, और जब ये 80% पानी बॉयल हो जाए, 80% जब पानी बच जाए, तब इस सौंफ को छानकर आपको चबा चबा कर खा लेना है, और इस पानी को हल्का जब गुनगुना रहे तभी पी लेना है। और ये जो ड्रिंक है यानी कि सौंफ के पानी का सेवन आपको सुबह में खाली पेट ही करना है, और इस पानी को पीने के 30 मिनट के बाद ही आपको कुछ खाना है, 30 मिनट तक कुछ नहीं खाना है। अगर आप इस तरीके से सौंफ के पानी का प्रयोग करेंगे तो इससे आपका वजन भी तेजी से कम होगा और आपका पाचन शक्ति भी स्ट्रांग बनेगा, पाचन से जुड़ी भी समस्याएं बिल्कुल ही ठीक रहेंगी, क्योंकि आपको गैस एसिडिटी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और इस पानी के पीने की वजह से आपके बाल भी हेल्दी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में सौंफ जो है काफी हेल्प करता है। अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ गई हो, क्योंकि
की कोलेस्ट्रॉल मात्रा का, आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ने का मतलब हुआ कि आपको अनेकों तरह की बीमारियां उत्पन्न होती रहेंगी। खास करके जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है तो आपको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके दिल पे, यानी कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देना चाहिए। नियंत्रित करने के लिए सौंफ जो है बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो सेम इसी तरीके से आपको सौंफ का प्रयोग करना है। आप दिन में खा भी सकते हैं लेकिन इसके पानी का सेवन करना है। पानी का सेवन कैसे करना है वो मैं आपको बता दी हूँ। उसी तरीके से करना है, रात को भिगोकर इसका प्रयोग करना है सुबह में खाली पेट। नेक्स्ट बेनिफिट है कि अगर आप कफ से, खांसी से, खांसी की समस्या से परेशान है, आपका कफ नहीं निकल पा रहा है, तो इसको निजात दिलाने में सौंफ काफी सहायक होता है। इसके लिए आपको सौंफ को भून लेना है, और सौंफ को भून कर चाहे तो पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो भुने हुए सौंफ को मिश्री के साथ आप प्रयोग कीजिए। इससे आपके खांसी में बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी, क्योंकि खांसी की समस्या से निजात दिलाने में, या सांस से जुड़ी कोई समस्या हो, खांसने में आपको प्रॉब्लम होती है, सांसों में प्रॉब्लम होती है, तो इस समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा अगर आप भुने हुए सौंफ का प्रयोग मिश्री के साथ करते हैं तो। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है कि अगर आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं, यादाशक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सौंफ का प्रयोग कीजिए, क्योंकि सौंफ का प्रयोग करने से आपका यादाशक्ति बहुत ही जल्दी स्ट्रांग होने लगता है। आपको भूलने की आदत है, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं कोई भी चीज, तो आप सौंफ का प्रयोग कीजिए। सेम तरीके से करना है, आप मिश्री के साथ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले दूध के साथ कर सकते हैं एक चम्मच सौंफ का प्रयोग। अगर जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनको सौंफ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनकी यादाशक्ति जो है काफी स्ट्रांग बनेगी। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी कि हाई बीपी की समस्या आपको है, तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सौंफ बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। अगर आप सौंफ का प्रयोग डेली करते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं सौंफ को, तो आपका बीपी जो है कंट्रोल रहेगा। इसके लिए आप सौंफ का प्रयोग दिन में दो बार कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, किसी तरीके से आपको सौंफ का प्रयोग करना ही है। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और नींद की समस्या से भी परेशान है, या निद्रा की समस्या से परेशान है, रात को आप ज्यादा देर तक जगे रह जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, नींद आपको अच्छी तरीके से नहीं आ पाती है, तो नींद की समस्या को दूर करने के लिए सौंफ बहुत ज्यादा मददगार होता है। अच्छी नींद पाने के लिए आपको सौंफ का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप रात को सोने से पहले एक ग्लास दूध के साथ एक चम्मच सौंफ का प्रयोग कीजिए, और सोने से आधा घंटा पहले आपको इसका प्रयोग करना है। इससे आपको अच्छी नींद आएगी, आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, कमजोरी थकान की जो समस्या होती है वो भी आपको दूर हो जाएगी अगर रात को सोने से पहले दूध के साथ अगर सौंफ का प्रयोग करते हैं तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट बेनिफिट है कि आपको आपके लीवर को मजबूत करने के लिए सौंफ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो लीवर को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो सौंफ का प्रयोग जरूर कीजिए, इससे आपका लीवर मजबूत रहेगा। तो सौंफ का प्रयोग आप अपने लीवर को मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। दिन में आपको किसी भी तरीके से इसका दो बार प्रयोग करना है, इससे आपका जो लीवर है काफी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो आप सौंफ का प्रयोग अपने लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि अगर आप निखरी त्वचा पाना चाहते हैं तो त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है सौंफ। अगर आपको रिंकल्स की समस्या है, एंटी एजिंग की तरह काम करता है सौंफ, तो अगर आप सौंफ का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके चेहरे पे जो रिंकल्स झुर्रियां आती है, जो एज ढलने के बाद, एज बढ़ने के बाद आपके चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है, रिंकल्स आने लगती है, तो उसको दूर करता है, आपके चेहरे को निखारता है, साफ बनाता है। इसके लिए आप सौंफ का प्रयोग रात को सोने से पहले दूध के साथ कीजिए, या आप एक चम्मच सौंफ का प्रयोग रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी के साथ भी कीजिए। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, आपकी स्किन काफी यंग बनी रहेगी, रिंकल्स झुर्रियों की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, और चेहरे पे हमेशा चमक बनी रहेगी। तो आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं अपने त्वचा को निखारने के लिए। जिनके बाल ज्यादा झड़ते हैं, हेयर फॉल की समस्या, हेयर ग्रोथ तेजी से नहीं हो रही है, उसको सौंफ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे इनके हेयर ग्रोथ जो है बहुत ही तेजी से होने लगती है, बालों का झड़ना रुक जाता है। इसका भी प्रयोग आप रात को सोने से पहले एक चम्मच सौंफ का प्रयोग एक गिलास गर्म पानी के साथ करेंगे तो इससे आपका हेयर फॉल जो है कंट्रोल हो जाएगा, बालों की ग्रोथ तेजी से होने लगेगी, आपके बाल सिल्की बनेंगे, चमकदार भी होंगे अगर आप इस तरीके से सौंफ का प्रयोग करते हैं तो। नहीं तो सौंफ के पानी का भी प्रयोग अगर आप करते हैं सुबह खाली पेट, तो इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है कि ये आपके खून की कमी को बहुत ही तेजी से दूर करता है, क्योंकि अगर आप सौंफ को मिश्री के साथ सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में आयरन की कमी दूर हो जाती है, और सौंफ और मिश्री को मिलाकर एक साथ खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और आपके शरीर के ब्लड फ्लो में भी सुधार आता है। इस वजह से आपकी खून की कमी बहुत ही तेजी से दूर हो जाती है। तो इस तरीके से सौंफ का प्रयोग करके आप अपने शरीर के अनेकों सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया है कि सौंफ खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, और किस किस तरीके से आपको सौंफ का प्रयोग करना चाहिए, और किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए सौंफ का प्रयोग किस किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो पूरी डिटेल्स मैंने बता दिया है, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी घरेलू नुस्खे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।